अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कुछ टाइम ऊपर बिताने के बाद हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। 3 बजे का टाइम हो रहा है, बल्कि 3 से ऊपर हो चुके हैं और अभी हमारी वापसी है। यार, नीचे से ऊपर तक आने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, आपके स्टेमिना पे, आपके जाने पे। और उत्तरायणी वतन आसान होती है तो बंदा थोड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। उम्मीद है कि हम 3 घंटे के अंदर अंदर नीचे पहुंच जाएंगे। तो बस अभी हमारा उतराई का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। उतराई नस्बतन आसान होती है, बस सिर्फ आपको अपनी बैलेंस का ख्याल रखना पड़ता है। पाँव आपको सही प्रॉपर रखना पड़ता है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो बस फिर अनबैलेंस होता है बंदा, बंदे को चोट लगने का खदशा होता है। तो साथ रहिएगा, इंजॉय करें आप लोग भी हमारे साथ। उतराई के टाइम भी आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो भाई, बंदा बोर नहीं होता यहाँ पे। फेरी मिडोज के मुकाबले में ये ट्रैक फिर भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है मेरे दोस्तों। बैकग्राउंड में ग्रीनरी चेक करें ये, और धूप अच्छी खासी पड़ रही है, ये देखें, हमारे चेहरे को लाल लाल कर दिया। हाँ जी, ऊपर टॉप पे, टॉप से बल्कि थोड़ा सा पहले भाई, ये है मुख्तस जगह पर है, गोमल यूनिवर्सिटी समर कैंप। गोमल यूनिवर्सिटी के समर कैंप के लिए जगह है। 4200 फीट सतह समंदर से ऊंचाई के ऊपर है और 1800 कनाल उन्होंने ये जगह ली रखी। ये इस तरफ ऊपर टॉप की तरफ, सारा इन्हीं की जगह है यूनिवर्सिटी की। भाई टॉप से थोड़ा नीचे ये 4200 फीट, वो जो गोमल यूनिवर्सिटी का कैंपस है, समर कैंप के लिए उन्होंने जो जगह ली है, उसके पास ये सारी ग्रीन, लश ग्रीन जगह है, कमाल की जगह है। उतराई जारी और सारी है भाई, इस तरह के रास्ते के ऊपर, इसी रास्ते के ऊपर आपको गाड़ी और बाइक चला के आनी पड़ेगी, या पैदल भी आना तो आपको इसी तरह के रास्ते के ऊपर आना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा आगे जाके शायद वो दूसरे ट्रैक पर पहुँच जाओ, जो 4.7 किलोमीटर वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, कोशिश किया करें कि सन ब्लॉक साथ लें, धूप पड़ती है, इतनी ज़्यादा तेज़ सुनी होती है लेकिन फिर भी अच्छी खासी महसूस तो होती है, लाजमी बात है। तो सन ब्लॉक साथ लेके हम तो भूल गए थे, आप लोग लाना ना भूलिएगा। कुछ देर चलने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा पी लें, तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जूस वगैरह पी रहे हैं और कुछ खाने के लिए भी है। तो वैसे तो हमने ऊपर खा पी लिया था, लेकिन फिर भी हमने अपने साथ कुछ और चीज़ें उठा के साथ लाए हैं, ताकि नीचे जाते हुए भी हमें मसला ना हो खाने पीने का। भाई ये पीछे सेल्फी बॉयज लगे हुए हैं और हम लोग जूस पीते हैं। हाँ दोस्तों, सन ब्लॉक लाजमी लेके आए हैं, धूप लग रही है, अच्छी खासी लग रही है, जिल को काफ़ी ज़्यादा वो कर रही है, बंद कर रही है ना, तो लाजमी लेके आए, फायदे में रहेंगे, थोड़ी ठंडी हवा ले रहे हैं बैठ के। ये दरख्त के नीचे थोड़ी देर बाद हम फिर रवाना हो जाएंगे। वापसी अभी भी जारी और सारी है, ये पीछे आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा और अभी हम जा रहे हैं। तो भाई ये है सारा सीन, मौसम अब कुछ बादल शादल आ गए हैं, सूरज के सामने तो थोड़ा सा सुकून मिल गया, अदरवाइज धूप तो तंग कर रही थी हमें अच्छी खासी। तो भाई ये सारा सीन है यहाँ पे, और ये हफीज़ क्या कर रहा है पता नहीं, ये देखो तस्वीरें खींच रहा है, क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इस बंदे की। धूप थोड़ी देर के लिए गायब हो गई है क्योंकि बादल आ गए, तो जो गर्मी लग रही थी या जो धूप जो जिल को जला रही थी, अब कुछ सुकून मिला है। और ये पीछे की तरफ ढेर सारी ग्रीनरी, ओ हवा चली है यार, इसने तो और मज़ा दे दिया है। हमारे वापसी का सफ़र अभी भी जारी और सारी है, चलान नीचे दास सौकाना अला खुला डेरा पाते, अभी जाना नहीं है, अभी तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा रहता है। अभी हम आपको ट्रैक भी दिखाएंगे जहाँ अभी न्यू बना हुआ है, 4.7 किलोमीटर है, तो हमारी वापसी इंशाल्लाह उसी रास्ते से होगी। तो हमारे साथ रहिएगा, वो ट्रैक देखते हैं कि कैसे, कोई अच्छा है या ख़तरनाक है, क्या जो कुछ भी है वो मैं आपको बता दूँगा। अभी तो हम टॉप से जो मेन रास्ते उसी के ऊपर आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, इंजॉय करें आप लोग भी हमारे साथ। जी संग
ए छतपति चंदा अल्लाह फजल दे हां ओका खनो हो चलो अभी उर्दू में करो यार ये पश्तो क्या पश्तो हफीज क्या मसला तुम्हें नींद आ रही है हाँ नींद आ रही है काफी नींद आ रही है बस एक 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 भाई साहब को नींद आ रही है और दूसरे भाई साहब के जो पाँव में वो इशू है उसमें फ्रैक्चर हुआ था तो उसको चलने में माशाल्लाह आ रहा है एनीवेज उतराई आसान है इंशाल्लाह हमारे लिए इशू नहीं है उतराई में हम आराम से जा रहे हैं बिल्कुल इजी होके जा रहे हैं हम तीनों दोस्तों वापसी का सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है अभी हम तकरीबन कोई 2-3-4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे और हमारे मकसद हमारा जो मंजिल मकसूद है वो ट्रैक वो जो 4 किलोमीटर वाला है वहाँ से फिर हमने नीचे की तरफ सही जो हमारा रास्ता वो स्टार्ट होगा अभी भी हम लोग चल रहे हैं और ये पानी के लिए रुके हैं और ये फीस इतना ढेर सारा पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगी जी दोस्तों 3 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही चल के जब आप टॉप से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा ये असल में कैमरे में आपको उल्टा ही नज़र आ रहा होता है तो ये 4.2 किलोमीटर का ट्रैक है तो आप ये अभी नया ट्रैक इन्होंने बनाया हुआ है तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं ये वाला ट्रैक और अगर इस ट्रैक को छोड़ के आप ये जो पुराना रोड है इसी के ऊपर भी जा सकते हैं हमारा प्लान ये है कि ये 4.2 किलोमीटर वाला जो ट्रैक इसके ऊपर हो चलें तो ये 4.2 किलोमीटर ही हो गया और 3-3.5 किलोमीटर तक ये हो जाएगा तो टोटल कुल मिला के कोई हो जाएगा 3.5 और 4 तो ये कोई हो जाएगा 7.5-8 किलोमीटर का टोटल ट्रैक बन जाएगा अदरवाइज अगर आप ये इस वाले रास्ते से जाते हैं पुराने वाले से तो ये टोटल 14 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा तो हमारी कोशिश है कि हम इस वाले ट्रैक से वापस चलें ये भी नया ट्रैक बना हुआ है तो आइए हमारे साथ चलते हैं इस नए ट्रैक के ऊपर नया ट्रैक कुछ इस तरह का है वो जो 4.2 किलोमीटर वाला है छोटा सा ट्रैक है और ये आप लश ग्रीन ट्रैक छोटा सा ट्रैक है और इसी के ऊपर हम लोग जा रहे हैं इधर आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने सफ़ेद निशान लगाए हुए हैं ये आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो कुछ ये निशान आपको नज़र तो आपने इन निशानों को फॉलो करते हुए जाना है ऐसा ना अगर इधर उधर हो गए तो फिर रास्ता भटक गए ना तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आएगी यार ये 4.2 किलोमीटर वाला ट्रैक मुश्किल आसान नहीं है भाई रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है ये देखो ये इस तरह का रास्ता है तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा बस आप उसी रास्ते से होके आए जो जीप और गाड़ियों का रास्ता है उसी के थ्रू होके आए ये वाला रास्ता मुश्किल है थोड़ा जी दोस्तों ये जो 4.2 किलोमीटर वाला ट्रैक है ये ज़रा मुश्किल है मुश्किल इसलिए कि रास्ता बहुत छोटा है ये देखो आपको पीछे की तरफ नज़र आ रहा होगा और ये ऊपर टॉप पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये इधर से हम लोग उतर के आ रहे हैं ये देखें तो मुश्किल है थोड़ा अभी नया बना हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कोशिश करें कि वो जीप वाला ट्रैक ही यूज़ करें वो जो लंबा वाला है वो आसान है हम लोग तो उतर रहे हैं उतराई में इतना इशू नहीं होता बंदा फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ईजी होकर चले जाएँगे लेकिन चढ़ दिए तो बड़ा मुश्किल है ये रास्ता ये रास्ता ये ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है कोई ट्रैक शक नहीं है और ये नीचे की तरफ ये बस नाम ट्रैक दिया हुआ है मुश्किल है पसंद नहीं है भाई लोगों बहुत गंदा ट्रैक है हम बड़े दलील हुए हैं इस ट्रैक के ऊपर किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये ट्रैक उसी लंबे रास्ते से होके जाएँ अगर जान अजीज है और तकलीफ़ खुद को नहीं देनी ये निगम वाइल्ड लाइफ वालों ने लिखा था कि रास्ता आसान है लेकिन आसान नहीं है भाई फाइनली ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस ट्रैक का आगे अभी और रास्ता काफ़ी रहता है लेकिन ये याद रखें कोई इस ट्रैक के ऊपर ना जाए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैक बहुत ही गंदा है ये वाला ट्रैक आम लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये ट्रैक और बंदा दलील हो जाता है इतना अभी और भी ढेर सारा रास्ता हमें करना है अभी तो ये पहाड़ से उतर गए अभी ये जहाँ से पानी होके जाता है पानी जहाँ से गुजरता है और जो रास्ता अभी इस पर आगे शहर की तरफ जाएंगे और रोड मेन रोड पे पहुँचने की कोशिश करेंगे रास्ता अभी भी बाकी है भाई पहाड़ से तो उतर के लेकिन अभी मेन रास्ते पे जाने के लिए आपको ये पानी वाला रास्ता इसको आपने फॉलो करना है आगे आबादी तक पहुँचने के लिए भाई आसान कुछ भी नहीं है ये वाला ट्रैक गंदा सा ट्रैक है ये पीजू वाला ट्रैक जो इसको इन्होंने नाम दिया 4.2 किलोमीटर वाला
6 बज चुके हैं और अभी भी थोड़ा सा रास्ता रहता है। ये देखें आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे जाके शहर, पहाड़ से तो ऑलमोस्ट हम उतर चुके हैं, बस ये जो पानी का रास्ता है जो शहर की तरफ जाता है, बारिश जब होती है इधर पहाड़ के ऊपर तो यही इन्हीं रास्तों से होकर जाती है, तो अभी हम इसी रास्ते के थ्रू जा रहे हैं शहर की तरफ, पेदू शहर की तरफ। बस फासला थोड़ा ही है, अल्लाह करे पहुँच जाए, काफ़ी थक गए। जी दोस्तों, शाम के कोई 6:20 हो रहे हैं और हम तकरीबन बस पहुँच चुके हैं। ये पीछे की तरफ आपको वो दूर नज़र गेट नज़र आ रहा होगा, कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ मुझे खुद, हाँ ये वाला, ये गेट आपको नज़र आ रहा होगा पीछे की तरफ। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, स्टार्ट तो हम इधर नीचे गांव से होके आए थे, रिलेटिव के यहाँ से, तो कुछ वो भी किलोमीटर रास्ता वो हमने तय किया, आधा किलोमीटर वाटे, लेकिन स्टार्ट हम ये स्टार्टिंग पॉइंट ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़े थे, ऊपर कोई 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर गए थे, तो फिर गाड़ी वाले ने लिफ्ट दे दी, उसने कहा कि आ जाओ हमारे साथ, तो हम उसके साथ चले गए टॉप के, फिर टॉप से थोड़ा पहले हम उधर के दोबारा, फिर हमने ट्रैकिंग की थी उधर, थोड़ा घूमे, उसके बाद हम लोग वापस आए। वापसी पर हम जब टॉप से नीचे की तरफ आ रहे थे तो कोई 3-3.5 किलोमीटर चले थे, उधर आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा ट्रैक का, ये तो ट्रैक उधर लिखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा है 4.2 किलोमीटर। भाई 4.2 किलोमीटर देख के गलत ना हो जाना, ये धोखा है, फुल टाइम धोखा है, जलील होता है बंदा, हम भी बड़े जलील हुए हैं, रास्ता ख़तरनाक है। ये इस रास्ते से हम लोग होके ये पीछे की तरफ, कुछ पता नहीं चलता, अजीब किस्म का रास्ता है, तो कोशिश करें यही मेन रास्ता यूज़ करें। थोड़ा दूर है लेकिन थोड़ा दूर का फ़ायदा ये होगा कि आप इजी होके आएंगे, पाँव वगैरह को मसला नहीं होगा, ख़तरा भी नहीं है उसमें, कोई डेंजरस नहीं है, ये तो काफ़ी ख़तरनाक है निकम्मा ट्रैक है, बहुत ही ट्रैक है, लोकल के लिए ठीक है, लोकल वाले जाते रहते हैं, अभी हमें रास्ते में मिले हैं, लेकिन हम और बाहर वाले लोग उनके लिए तो किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस ट्रैक से होके जाएँ, बहुत मुश्किल ट्रैक है, गंदा ट्रैक है, कुछ पता नहीं चलता। इसी मेन जीप वाले ट्रैक को यूज़ करें, 14 किलोमीटर है लेकिन खैर है क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा हो लेकिन ईजी तो है ना, बंदा ईजी होके चला जाता है, और ये बहुत ही गंदा ट्रैक है। अभी आज हमने कोई 17 किलोमीटर से ज़्यादा फासला तय किया है, और कितने घंटे हम लोग मुसलसल चले, बस ये मुश्किल था असल में, हमें इस वाले ट्रैक ने तंग कर दिया, ये जो ट्रैक नहीं है, ये जो 4.2 किलोमीटर वाला, ये जो इन्होंने शॉर्टकट क्या कह के हमें धोखा दिया है, तो बस आप लोग यही मेन वाला ट्रैक यूज़ करिए, जो 14 किलोमीटर वाला गेट वाला, इसी के थ्रू होके जाएँ, कोशिश करें बाइक पे जाए, बाइक इजी होके जा सकती है, गाड़ी भी अगर पावरफुल गाड़ी है तो वो भी चली जाती है, बाकी पैदल अगर आपने जाना तो इसी ट्रैक पे, और कोशिश करके सुबह जल्दी, हम 9:30 बजे निकल गए थे जो कि लेट था, एनीवेज कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया करें, और यही मेन थे होके जाएँ, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।